वंदे गो मातरम, जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हो गोदाम चोरा यूट्यूब पर लाइव और पहले था फेसबुक पर लाइव। आप दोनों पर भी गो माता की सेवा हमेशा लाइव देख सकते हो। आज हमारे प्रिय गो भक्त नरेश कुमार स्वर्गीय श्री भियाजी साहू चोरा हाल मैंगलोर के गो भक्तों ने जो जागरण में 21,000 रुपये राशि बोला और तुरंत जागरण से पहले जमा करवा दिया, उन गौ भक्तों की तरफ से आज हरे चारे की गौ माता के लिए गाड़ी आई है। जितने भी गौ भक्तों ने जागरण बोली हुई राशि जमा कर दिया, उन सभी गौ भक्तों की तरफ से राशि जमा होते ही गौ माता की सेवा में डबल लाइव। पहले दिन आपने राशि दिया, उसी दिन ओम जी मुंडेल ने आपको लाइव राशि बताया था और आज इसी चैनल पर आपको लाइव सेवा देखने को मिल रही। आपने दिया राशि तब भी लाइव और खर्च होता भी लाइव। और आज हमारे गौ भक्त रामसा साहू, गौ भक्त शैतान जी दोनों गौ माता की सेवा करने के लिए गौशाला में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौ भक्त नरेश जी की तरफ से आज गौ माता के लिए हरा चारा। आप देख सकते हो ठंडा मौसम, बारिश का मौसम और इस गर्मी में गौ माता के लिए हरा चारा बहुत ही अच्छा। गौ माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो सभी गौ माता बछड़े इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे गौशाला का बछड़ा है, इंतजार कर रहे हैं और प्रतिदिन गौ माता की सेवा में आपको देखने को लाइव मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी गौ भक्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भैया आवा दे जाओ, टोकड़ा आवा दे। आप देख सकते हो अभी सारे बछड़े आएंगे, आपको मैं बछड़ों के दर्शन करवाता हूँ और कितने प्यार और प्रेम से भागते दौड़ते आएंगे। आप देख सकते हो ये हमारे गौशाला का बछड़ा, देखो कैसे भाग दौड़ कर रहा है। और गौ माता के चारे के लिए बछड़े ऐसे भाग करके आएंगे जैसे आनंदित मनमोहक दृश्य हो जाएगा, आप देखना। ये आप देख लेना, देखो गौ भक्तों, वारे भगवान तेरी लीला। जो भी गौ भक्त दान दे रहे हैं उनको कितना पुण्य मिलेगा। छोटे छोटे बछड़े जो गौशाला में ला करके आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो आपके सामने है। ये गौ माता की सेवा और ये छोटे छोटे बछड़े, जो कमजोर छोटे बछड़े ला करके सेवा की जाती है। ये आप देख सकते हो लापसी हरा चारा खिला करके इन छोटे छोटे बछड़ों का जीवन बचाया जा रहा है। आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ये हमारे गौशाला का बछड़ा, आप देख सकते हो जो गौशाला में गौ माता के तैयार हुआ बछड़ा उनके, हाँ और बो नहीं हम भी जाली कूदना आयो, 5 फुट माता कूदना आ गयो और खाली 8 महीना हो। ये आप देख सकते हो और ये कोई 1.5 साल का है। ये देखो ऐसे कमजोर है, गिर जाते हैं। कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल का है, फिर भी इनको माँ का दूध समय पर नहीं मिलता। देखो अभी ये शैतान जी खड़ा कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये ऐसे कमजोर है, इनको बैठा करना पड़ रहा है और तो ओटाल पड़ा वही जान सुनो, ओटाल पड़ा ओटाल जान, हाँ थोड़ो खाली 1 पाड़ ला रहा हाथ रहा को नजी हुई। ये आप देख सकते हो छोटे छोटे बछड़े, इनके लिए आपका सहयोग अति प्रिय और अति प्रसन्न। गौ माता के लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ भक्त नरेश जी, धन्य आपके माता पिता को, समस्त गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपके सहयोग से इन बछड़ों की सेवा हो रही है। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सेवा के साथ साथ में वृक्ष और अलग अलग गौ माता की सेवा आप जरूर एक बार गौशाला पधारे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज थोड़ा बारिश भी हुआ है, बारिश का जो मौसम है आपके सामने है।